Really? Sorry. Can I ask the question and then you will start? Okay, I'll start. Yes, start. Hello everyone. Myself, Sangeeta Kapoor. I'm from Delhi. And I started my career as an anchor. So I have professional experience as an anchor. And now I'm just going to enter in Bollywood as an actor. So that's why I'm here. For your blessings, for your support. So Sangeeta ji, how did the career of anchoring started? And one of the first time you got the opportunity, or abhi tak jo safar hai usme sabse acha anubhav kaun sa raha, uske bare mein kuch bataiye. Yeah, actually mera jo career professional as an anchor start hua tha, it was very great experience, because jab maine starting ki thi तो जब मुझे एक ऑफर मिली एज एन एक्टर, बेसिकली मुझे एज एन एक्टर ऑफर मिली थी, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर. मैं उस टाइम एज एन एक्टर प्रिपेयर नहीं थी, तो मुझे ये ज़्यादा ऑप्शन अच्छा लगा, बिकॉज अपने बारे में हम खुद से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता. तो अपने बारे में हम सबसे अच्छा हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो टैलेंट है जिसको हम अच्छे से प्रेजेंट कर सके. सो आई थिंक, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट द करियर, अगर आप अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपका बहुत मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहता है कि अपने टैलेंट को खुद समझना, कि उसे आप अच्छे से किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो. तो एज एन एंकर आई फील व्हेन आई स्टार्ट, जब मुझे एक बड़ा शो मिला था कि ओके, अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एज एन एंकर, सो जस्ट गो. तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैंने कहीं से सीखा नहीं था, मैंने जस्ट थोड़ा सा फॉलो किया एक एंकर को, किस तरह से वो मतलब एंटरटेन कर रहे हैं, किस तरह से लाइक पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो जस्ट मैं भी मतलब बिना सोचे समझे, लाइक इन द सेंस कि थोड़ा सा फॉलो करने के बाद, मुझे एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था. इट वॉज द मतलब म्यूजिकल नाइट एट बुलंदशहर इन 2009 एट द एंड. सो जब मैंने वो अपना जो प्रेजेंटेशन दिया मैंने, सो आई फील येस, आई थिंक एज एन एंकर आई बी परफेक्ट, क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि ये टैलेंट मेरे लिए ही है. तो वहीं से मेरे करियर की एज एन एंकर शुरुआत हुई. तो संगीता जी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर करियर बहुत सारे ऐसे अमेजिंग पीपल, यू नो, सेलिब्रिटी फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्री मुलाकात हुई, अभी तो कोई ऐसा अनुभव शेयर कीजिए जो यादगार रहा होगा आपके एंकरिंग करियर में. यस, एक्चुअली बहुत से यादगार है मोमेंट्स ऐसे, क्योंकि जब स्टार्ट करता है कोई भी अपने करियर की, तो उसके लिए हर एक्सपीरियंस एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होता है. तो मेरे लिए वो बहुत ही चैलेंजिंग था, जैसे कि मैंने आपको बताया एज एन एक्टर मेरे पास ऑफर थी, बट एज एन एंकर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, बिकॉज आई वाज फ्रेशर. तो वो टैलेंट मुझे लगा कि उस चीज़ से मैं और मतलब इम्प्रूव कर सकती हूँ अपने, लाइक जो भी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, स्किल्स होते हैं, उसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ. और एक्सपीरियंस जो मतलब मेमोरेबल और हर पल हर मोमेंट्स यादगार रहते हैं. तो मेरे लिए ये था कि मैंने मुझे जब स्टार्टिंग में जब एज एन एंकर मैंने स्टार्ट किया, तो इन द बिगनिंग मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट्स के, शोज़ के, विद सो मेनी सेलिब्रिटीज मुझे ऑफर आ चुके थे. तो आई थिंक मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस और मेमोरेबल मोमेंट्स कोई नहीं होगा, कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली अपने करियर की शुरुआत करने के लिए सबको बहुत टाइम लगता है. तो मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट था जो मुझे फील हुआ कि यस, ये टैलेंट एज एन एंकर मेरे लिए ही है. तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज था कि उससे मुझे बहुत अच्छे बड़े बड़े इवेंट्स मिले, एंड आई हैव डन नॉट मोर देन 300 इवेंट्स विद सो मेनी सेलिब्रिटीज. सो बिसाइड्स हैविंग एक्सपीरियंस इन इवेंट्स, यू हैव बीन मॉडलिंग आल्सो, तो मॉडलिंग के बारे में बताइए कैसा अनुभव था और कौन से ब्रांड्स के शूट किया आपने? यस, मॉडलिंग का है एज एन एंकर मतलब 5 ईयर्स मुझे लगे थे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मॉडलिंग के लिए प्रिपेयर नहीं थी. बट जब मेरे कंफर्टेबल जोन में मुझे कुछ ऐसे प्रिंट ऐड के ऑफर मिले, या एक कमर्शियल ऐड था जो मेरा एज एन एक्टर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, वो सर्विस टैक्स के लिए था, तो आई हैव डन दैट. वो कमर्शियल ऐड से मुझे एक एज एन एक्टर एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. एज अ मॉडल मैंने लाइक एक प्रिंट शूट किया था शगुन साइज के लिए इन बॉम्बे, दैट वॉज माई फर्स्ट शूट. तो वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मेरा पहला जो शूट रहा था प्रिंट शूट, वो शगुन साइज के लिए रहा था. तो ये बताइए, शगुन साड़ी जैसे ब्रांड का शूट किया आपने, उसके बाद रास्ता कैसे खुला और क्या आपको इच्छा हुई थी, आप क्यों इच्छा हुई कि आप फिर फिल्म इंडस्ट्री में आए, और अभी तक जो फिल्म इंडस्ट्री का सफर रहा है, क्या चुनौती रही है, किसने सपोर्ट किया आपको इस एंडेवर में? यस, सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें आप पे ट्रस्ट है,
तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि ब्लेसिंग्स बहुत काम आती है। तो मैंने हमेशा से इतना एक गोल सेट किया है कि जस्ट गिव योर बेस्ट, लाइफ विल रिटर्न द बेस्ट। तो क्योंकि देखिए बहुत से चैलेंजिंग ऐसे आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बारी में स्टार बन जाए, या ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोजेक्ट आपके लिए हो, हर करेक्टर आपके लिए हो, क्योंकि जो करेक्टर आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। तो धीरे धीरे जब मैं एज एन एंकर एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, काफ़ी लोगों से मेरा मिलना जुलना हुआ, और मैंने अपने एंकर मतलब लाइक एंकर स्किल को मैंने और इम्प्रूव किया, और जब मैंने प्रिंट शूट किया तो मैंने अपने आप को सोचा कि मैं इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूं ताकि मुझे अच्छे काम मिले। डेफिनेटली टाइम लग गया, इट्स बीन 8 ईयर्स। सो आफ्टर डैट मैंने ज्वेलरी शूट किया, साड़ी शूट किया, सो नाउ आई हैव सो मेनी ऑफर्स। लेकिन मुझे लगता है कि मैटर करता है कि अगर हम एज एन एक्टर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एज एन एक्टर अगर मैं शुरुआत करने जा रही हूँ तो बहुत मैटर करता है। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं पहला प्रोजेक्ट और पहला करेक्टर अपना कुछ ऐसा करूं जो आई थिंक सबके दिलों में हमेशा के लिए बस जाए, तो एक ऐसा करेक्टर मैं सोच रही हूं करने के लिए। सो बस कोशिश यही है, और हमेशा की तरह अपना बेस्ट देना है ताकि हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स और सबका प्यार मिले। तो अपनी तरफ से हमें बेस्ट देना है। तो मुंबई में जो कंसर्न पर्सन है जो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं आपके करियर में, उनके बारे में बताइए कौन है वो और किस तरह से हेल्प आउट कर रहे हैं। कहते हैं कि एक गॉड फादर बहुत ज़रूरी होता है, तो और लेकिन जब आपको कोई ऐसा रिलेशन मिल जाए, क्योंकि आई बिलीव ऑन गॉड, और जब अगर आप ट्रूली हार्ड वर्क करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो डेफिनेटली टाइम लगता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में पहुंचना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। तो मुझे भी एक गॉड फादर और एक ऐसा रिलेशन जो मुझे मिला, एक भाई बहन का रिलेशन, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि खून के रिश्ते ही हमेशा मतलब सक्सेस हो, या खून के रिश्ते ही भाई बहन के होते हैं। रिश्ता एक आत्मा से होता है, दिल से होता है, वो दिल से कनेक्शन होता है। तो मुझे एज अ गॉड फादर एक भैया के रूप में मिले, तो वही मुझे अब आगे रास्ता दिखा रहे हैं, और मेरे एक्टिंग स्किल को वो इम्प्रूव कर रहे हैं कि मैं और अच्छे से एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ। आई थिंक वो चेहरा इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब जाना पहचाना है। यस, ही इज़ वन एंड ओनली अनिल मित्तल जी। सो अनिल मित्तल जी, ये है मेरे लाइक अभी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज एन एक्टर में अपने करियर की शुरुआत करने जा रही हूँ। सो ही इज़ माई गॉडफादर इन दिस आगे बढ़ाऊँ। तो खुद के प्रोजेक्ट में लॉन्च करना चाह रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट में लॉन्च करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे को पूरी इंडस्ट्री में लॉन्च करना चाह रहा हूँ। अच्छा, बॉलीवुड फिल्म के लिए। और कई ऐसी बात होती है बॉलीवुड से जुड़ी जो कि आम लोगों को बहुत प्रभावित करती है, खासकर अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि लोगों का ये मानना है कि आपका जो कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए बॉलीवुड में, यू नो, फिल्म इंडस्ट्री के लोग से जुड़े लोगों को काम मिलता है, बाहरी लोगों को बहुत मुश्किल होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, ये बहुत सही बात कही है आपने। ये कॉन्टैक्ट की बात